और दोस्तों स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग वीडियो बनाएंगे आपका FCR किस मछली का कैसा क्या FCR होता है, कैसे क्या फीडिंग लेती है, कैसा फीडिंग का स्ट्रेटजी बनाएं, फीड का मैनेजमेंट क्या करें, फीड कॉस्टिंग FCR कैसे रिड्यूस करें, प्रॉफिट का परसेंटेज, प्रॉफिट का मार्जिन कैसे इंक्रीज करें, ठीक है। फिर आपका होममेड फीड के ऊपर डिपेंडेंट कैसे रहें, फिर आपका फीड कॉस्टिंग कैसे रिड्यूस कर दें और ग्रोथ ज़्यादा लाएं, ठीक है। ये सब का ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। तो पहले मैं अपना टैंक में मछली को खाना दे देता हूँ, ठीक है। ये रहा मेरा होममेड फीड, डायरेक्टली टैंक में देंगे, देखिए दे दिए। इसमें ट्रे वे कुछ नहीं देते हम, ठीक है। थोड़ा रुकिए, नेट टूटा लगा, ये तो पंछी वंछी परेशान करता है इसलिए नेट लगाना पड़ता है। दे दिए, ठीक है। वाटर क्वालिटी एकदम ठीक है, अमोनिया ऑल पैरामीटर्स सर ओके। तो आप देख सकते होंगे मेरा टैंक को, बारिश वारिश हो रहा है, हम लोग का इधर का वेदर अभी उतना अच्छा नहीं है। देखिए पानी वानी गिरा हुआ है, बारिश हो रहा है, ऊपर हम तिरपाल दे दिया है ताकि बारिश का उतना इफेक्टिव ना रहे। और वैसे पानी तो थोड़ा गिरता ही है, और PSTS का थोड़ा प्रॉब्लम होता है कभी कभी, वो ठीक हो जाता है। तो बात करेंगे आपका FCR को लेके। अभी आप देखें, मैं अपना होममेड फीड यूज़ किया, ठीक है। होममेड फीड के ऊपर हम अभी पूरा डिपेंडेंट है। हम लोग अभी पैकेट फीड पकड़ लीजिए 6 महीना से बंद कर दिए, हम लोग अप्रोक्सीमेटली 6 महीने से हम लोग पैकेट फीड बंद कर दिए पूरा पूरी। उसका पहले से भी हम लोग होममेड फीड खिलाते थे। हम लोग देखिए फीड बनाना कोई कठिन चीज़ नहीं है, आपको फीड बनाने के लिए जो जो कॉम्पोजिशन वो सब सिर्फ अच्छा से जानना पड़ेगा, अच्छा से विषय को समझना पड़ेगा, तो फिर हो जाएगा, ठीक है। तो आज बात करेंगे कि FCR कौन सा मछली का क्या क्या FCR है। तो FCR देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे FCR को लेके। पहले कैटफिश में जाते हैं हम लोग। कैटफिश के लिए हम लोग सिंगी, मागुर और कोई मछली, ये तीनों का हम लोग FCR पहले बात करते हैं, ठीक है। पहले सिंगी का बात करते हैं। सिंगी के लिए हम लोग 1.3 to 1.8 तक आपका FCR चला जाता है, जो प्रैक्टिकली मेरा किया हुआ है, ठीक है। तो उधर आपका क्या हो जाता है कि अगर आपका 2 किलो हम पकड़ लेते हैं, अगर किसी का 1.8 आता है मतलब 2 किलो का आसपास, तो उधर हम पकड़ लेंगे 60 रुपया किलो अगर खाना होता है, तो उधर आपका 120 रुपया उसका खाना का ऊपर चला गया। तो उधर उसका मार्केट में प्रेफरेबल करने के लिए मुश्किल हो जाता है। आपका सब कुछ मिला के देखा जाता है कि अगर मार्केट रेट सिंगी का कम है या फिर 300 में है, तो उसका प्रॉफिट का मार्जिन लेस हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंगी के लिए हम लोग हाई प्रोटीन का फीड कैसे बनाएं। सिंगी को मिनिमम 35% प्रोटीन लगता है, नहीं तो उसका कैट साइज़ ज़्यादा आता है, मतलब कि ग्रोथ स्टॉप हो जाता है। उधर हम लोगों को उसका होममेड फीड में सोयाबीन जो होता है, सोयाबीन और आपका जो फिश मील है, फिश मील और आपका एजोला का ड्राइड एजोला हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ हाई रिच प्रोटीन सोर्स जिसमें है आपका, जैसे स्पिरुलिना पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। स्पिरुलिना भी अभी हम लोग फिश का कल्चर में भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, लेकिन स्पिरुलिना का कॉस्टिंग थोड़ा बहुत ज़्यादा है, मतलब वो लोग बहुत जन नहीं करते हैं, लेकिन वो भी यूज़ किया जा सकता है अगर फीड में कोई यूज़ करे, ठीक है। तो उधर आपका होममेड फीड में आप परसेंटेज बढ़ा सकते हैं। तो उस FCR को अगर आप 800 में लेके आते हैं आपका होममेड फीड खिला के, मतलब पकड़ लीजिए आप 8 महीने का कल्चर किए, आप 2 टाइम मतलब 1 टाइम एजोला दीजिए, 1 टाइम कमर्शियल फीड दीजिए, 1 टाइम में आप लोग जो खुद का हाथ का बनाया हुआ खाना होता है ऑटो दीजिए, तो फिर आपका उसमें फीड कॉस्टिंग रिड्यूस हो जाएगा। तो फीड कॉस्टिंग रिड्यूस हो गया, उसके बाद आपका मागुर का बात करते हैं। या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, देखिए हम आपको एक तो चीज़ बोलेंगे कि आप सिर्फ बायोफ्लॉक मत कीजिए, या फिर बायोफ्लॉक समझ के मत कीजिए, आप पॉन्ड में भी कर सकते हैं। आप डोबा जो बोलता है, छोटा एरिया काट के आप उधर में मछली छोड़ के अगर आप करना चाहते हैं, अर्देन पॉन्ड टाइप का जो ओल्ड थ्योरी है हम लोग का, वो सब में करना चाहते हैं, उस सब में भी कर सकते हैं। देखिए आपका इसका हाई प्रोटीन का सोर्स, आपका जो मुर्गी मतलब आपका जो चिकन का जो छाट है मतलब वेस्ट, वो सब आप घर में ला के अच्छा से क्लीन करके आप उसको भी दे सकते हैं बॉईल करके नमक के साथ, ठीक है। तो फिर उससे भी आपका कॉस्टिंग रिड्यूस होगा और मछली का ग्रोथ भी अच्छा होगा। वो आप देसी मांगुर, सिंगी
और कोई का लिए आप लोग कर सकते हैं। इस ये तो बहुत काम करता है और आपका उसमें उतना प्रॉब्लम भी नहीं है। अगर क्वांटिटी बेस देखिए, आप लोग सोचेंगे कि हाँ पानी गंदा हो जाता है, पानी गंदा ज़रूर होगा, लेकिन आपको एक तो चीज़ नज़र में रखना पड़ेगा कि मेरे को टैंक में जब हम देंगे वो तो एक तो पकड़ लीजिए जितना चाहिए उतना ही देंगे, मतलब खा के ख़त्म कर ले उतना ही हम देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे कि हाँ ज़्यादा देंगे तो ज़्यादा बढ़ेगी, ऐसा कोई बात नहीं है, वो वेस्ट भी हो जाएगा, तभी उसका पानी का वेस्टेज ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ऑटो आप दे सकते हैं उसका फीडिंग कॉस्ट के लिए, रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, एकदम पूरा पूरी डिपेंडेंट नहीं छाट वाट के ऊपर, एकदम पूरा पूरी डिपेंडेंट नहीं कमर्शियल फीड का ऊपर, एकदम पूरा पूरी डिपेंडेंट नहीं आपका एजोला का ऊपर, मेनली होममेड फीड, आटा, फिर आपका राइस ब्रैन, मोलासिस, आपका थोड़ा बाइंडिंग जेल, फिर आपका थोड़ा फाइबर मतलब भूसी जो होता है, फिर आपका सोयाबीन, फिर आपका फिश मील, फिर आपका फिश ऑयल भी यूज़ करते हैं बहुत लोग, फिर आपका सॉल्ट नेसेसरी है, फिर आपका उसमें थोड़ा वाटर तो ज़रूर लगेगा। ये सब अच्छा से कंबाइन करके आपका राउंड बॉल्स बोलिए, स्मॉल स्मॉल पीसेस, जब हम स्मॉल स्मॉल पीसेस करके देते हैं वो तो आप दे सकते हैं। देखिए मेरा मछली डायरेक्ट खा लेता है, इसलिए मैं डायरेक्टली टैंक में देती हूँ। ठीक है, तो ये जो मेरा टैंक है, इस टैंक में मेरा अभी वियतनाम कोई है, उसके साथ सिंगी मछली है। मेरा पहले का जो था, मैं ये मतलब जो पानी है वो पानी एकदम स्टेन कर रहा है, मतलब ये पानी हम फेंके नहीं है। मेरा वो 3 महीना का कल्चर का बाद हम फिर से मछली छोड़ दिए, बाकी का जो मछली सब हम नेटिंग करके बेच दिए, और बाकी का जो कैट साइज का कुछ था हम ऑटो रख दिए और नया मछली इसमें दे दिए है। ठीक है, इसका अभी एज आपका 1 महीना हो गया जो नया मछली दिए थे इसमें, और सिंगी तो मेरा ओल्ड सिंगी है, मैं वो सिंगी तो पूरा पूरी बेच नहीं पाए हम, तो जितना था उसके साथ हम बाकी का मछली डाल दिए। तो हम देखिए मछली को देखते हैं खाना, वो ख़त्म कर देती है, टैंक में रहती नहीं है। तो अगर आप खाना अच्छा से बनाते हैं जो मछली को सूट करता है तो आपको देखना पड़ेगा कि मेरा ये दिए तो मेरा टैंक में काम कर रहा है, मेरे को ये खा रहा है। देखिए मैं आपको बोल दिया कि ये सब मिलाइए, ये सब मिला के खाना दीजिए, आपका काम कर जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, आपको देखना पड़ेगा आपका मछली क्या मांगती है आपसे, आपको ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा तो फिर आपको समझ में आएगा। आप उधर दिए टैंक में देखिए मेरा तो मछली इधर खा लेते हमको पता चल जाता है, तो हम टैंक में डायरेक्ट दे दिए तो मेरा इधर खा लिया, वो उसका समस्या नहीं है। लेकिन अगर आपका मछली नहीं खाती है तो वो उधर आपका गिरे हुए आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, उधर आपका अमोनिया बढ़ेगा, NO2 बढ़ेगा, उसमें आपका पानी में बदबू आएगा, H2S गैस फॉर्मिंग होगा आपका, फिर मीथेन का फॉर्मेशन हो सकता है। तो वो सब चीज़ ना हो इसलिए हम पहले ऑब्जर्व किए कि मछली कैसा खाना मांगती है, तो हम वैसा खाना उसको देंगे खुद बना के, तो उधर मेरा कॉस्टिंग रिड्यूस हो गया। मेरा जिधर कोई मछली का FCR 1.5, 1.8, 2 तक चला जाता है, मैं उधर कमर्शियल फीड एकदम छोड़ दिया खिलाना, मेरा उधर फीड कॉस्टिंग एकदम रिड्यूस हो गया। मेरा जो अगर मैं 2 kg भी खाना खिलाऊँ, मेरा टोटल 40 रुपया लग रहा है, 2 kg में 20 रुपया kg करके खाना बन रहा है मेरा इधर। ठीक है, तो उधर बहुत लेस में हो जाता है अगर आप होम में फीड बनाएं तो। फिर ठीक है, फिर आपका मागुर और सिंगी और कोई का बात कर लिया हम लोग कि ये सब के लिए हम लोग को कितना क्या FCR है इन लोगों का, पकड़ लीजिए 1.3 to 1.8 तक 2 तक चला जाता है कल्चर में। ठीक है, तो उधर ये सब का क्या प्रिकॉशंस आपको करना पड़ेगा वो सब हम आपको मेंशन कर दिया। अभी हम तेलापिया का बात करेंगे, तेलापिया मोस्ट कॉमन फैक्टर कर रहे थे आपका तेलापिया के बारे में। जो तेलापिया का मेन चीज़ देखिएगा बायोफ्लॉक के लिए, तेलापिया और भेनामी श्रिम्प, ये दो ठो मतलब श्रिम्प मेनली पकड़ लीजिए, श्रिम्प ये तीन, ये दो ठो स्पीसीज मेनली बेस्ट जो पकड़ सकते हैं हम लोग। तो उधर तेलापिया के लिए अगर आप लोग देखिएगा, इसका अगर आप प्रॉपरली आप वाटर प्रिपरेशन करके प्रॉपरली अगर आप बायोफ्लॉक कर रहे हैं तो आपका तलापिया का जो कॉस्टिंग है वो आपका बहुत कम आना चाहिए। और फीड कॉस्टिंग इसका हम लोग पकड़ के चलते हैं 0.5 to FCR आपका 0.5 to 7 तक। लेकिन बहुत जन बोल रहे हैं कि ना नहीं हो रहा, लेकिन मेरा 0.7 आया था जो प्रैक्टिकली किया हुआ है आपका, मेरा सब कुछ मिला के। लेकिन मेरा एक चीज़, जब हम तेलापिया किए थे तब मैं टोटली कमर्शियल फीड का ऊपर था, तब मैं होममेड फीड यूज़ नहीं करता था, तो तब हम लोग उससे यूज़ किए थे। तो चीज़ आता है क्या, आपका टैंक में अगर आप अच्छा प्रोबायोटिक जो होता है, जो मछली फ्लॉक खाती है, अच्छा क्वांटिटी में फ्लॉक खाती है, देखिए सब मछली फ्लॉक खाती है, कोई कम कोई ज़्यादा, तेलापिया
सिंगी मागुर कोई, ये सब जो लोग करते हैं बोलते हैं कि नहीं खाती, थोड़ा खाती है, मतलब जितना खाती है वो नेग्लिजिबल, मतलब ना खाने की तरह, लेकिन खाती है, सब मछली खाती है लेकिन नेग्लिजिबल, तो पकड़ सकते हैं नेग्लिजिबल। तो उधर क्या हो जाता है आपका कि हम लोग पकड़ लिए तलापिया के लिए, हम लोग प्रॉपरली अगर फ्लॉक तो रेडी कर पाते हैं, उनका अगर जो वेस्टेज खाना है वो तो हम लोग अच्छा से प्रोटीन सेल में कन्वर्ट कर पाते हैं, देन ओनली हम लोग का FCR इतना आएगा। और अगर आप उसमें होममेड फीड यूज़ करते हैं उस टाइम के बाद हम तलापिया नहीं किए तो फिर से हम करेंगे मेरा होममेड फीड का ऊपर, ठीक है। अगर होममेड फीड का ऊपर करते हैं तो आपका उधर जो 60 रुपया, हम लोग एक अप्रोक्सीमेटली 60 से 80 रुपया मैक्सिमम, 60 रुपया में अगर मेरा उधर रेडी हुआ था तो अभी हम लोग पकड़ेंगे मेरा वो तो तेलापिया मछली हम 30 रुपया में रेडी करेंगे, मतलब हाफ कॉस्टिंग। तो वो तो चीज़ अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर कर पाइएगा। आपको अच्छा प्रोबायोटिक लेना पड़ेगा, प्रॉपर कल्चर करना पड़ेगा, प्रॉपर पैरामीटर्स, आपका जो A to Z जो भी पैरामीटर्स है, आपका pH से लेकर आपका हार्डनेस, आपका अमोनिया, आपका मैग्नीशियम, आपका जो भी है पानी में, जो लोग जो भी पैरामीटर्स सब मेंटेन करते हैं, वो सब आपका मेंटेन रहना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो मेंटेन रहता है तो आपका उधर प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए मेरा इधर हम बोलिएगा कि आप कोई बोलिएगा कि ये क्या हो रहा है, ये बायोफ्लॉक हो रहा है या क्या हो रहा है, मेरा इधर बायोफ्लॉक ही हो रहा है, मेरा इधर एडिएशन मैं टोटली नहीं देता हूँ, ठीक है, पूरा पूरी एडिएशन नहीं देता, मेरा जितना लगता है, क्योंकि मेरा इधर वो मछली नहीं है जो उतना फ्लॉक खाती है, ठीक है। लेकिन मेरा जो मैं प्रोबायोटिक यूज़ करता हूँ मेरा वो मेंटेनेंस कर दे रहा, पानी का फ्लॉक उतना डेड नहीं होता है, या फिर बोलिए पानी का मेंटेनेंस एकदम ठीक रहता है। अगर हम एरिएशन भी बंद रखते मेरा पानी में बदबू कुछ नहीं होता है, एकदम प्रॉपर है मेरा पानी, ठीक है, तो उसमें उतना प्रॉब्लम नहीं आता है। तो मेरा इधर कोशिश है कि हम लेस कॉस्टिंग में फ़िश रेडी करें, लेस कॉस्टिंग में मार्केट में उठाएं और मेरा प्रॉफिट का परसेंटेज ज़्यादा हो, ठीक है। ये तो तेलापिया के बारे में हम लोग बात किए कि तेलापिया का अगर आप प्रॉपर फ्लॉक रेडी कर पाते हैं तो उधर आपका जो मछली का जो फीड कॉस्टिंग है वो तो रिड्यूस होगा ही, साथ में आपका बाकी सबका कॉस्टिंग भी रिड्यूस हो के आपका प्रॉफिट का परसेंटेज ज़्यादा होगा। और तेलापिया का एकदम प्रॉपर सीड होना पड़ेगा, एकदम प्रॉपर मोनोसेक्स तेलापिया होना पड़ेगा, या फिर एकदम गुड क्वालिटी आपका जो गिफ्ट होता है जो आपका राजीव गांधी इंस्टीट्यूट आपका प्रोवाइड करते हैं वो आप ले सकते हैं, तो उसमें भी अच्छा रिजल्ट है, ठीक है। फिर हम अभी बात करेंगे आपका पापदा और टेंगरा का बारे में, जो मछली अभी हाल ही में जनप्रियता पा रही है। तो पापदा और टेंगरा, देखिए ये दोनों मछली भी फ्लॉक नहीं खाती, ये लोग कैटफिश में पड़ते हैं, ठीक है। तो पापदा मछली वैसे टेंगरा की तुलना में अच्छा, मतलब अच्छा ग्रोथ है, लेकिन थोड़ा बहुत उतना भी अच्छा नहीं हम मान सकते। इसका कल्चर भी सिंगी मागुर की तरह होता है, इसका पकड़ लीजिए मार्केट है, मार्केट में किसी भी साइज़ का बिक जाती है, आपका 15 ग्राम से लेकर 80 ग्राम 100 ग्राम 200 ग्राम तक जाती है, लेकिन आप बायोफ्लॉक टैंक में पकड़ लीजिए आप 70 ग्राम मैक्सिमम कीजिएगा, ठीक है। उधर आपका टोटल आप 7 मंथ्स कल्चर पकड़ सकते हैं। तो इसका FCR आता है 1.8, ठीक है, इसका FCR 1.8 आता है। तो इधर इसका फीड कंजम्पशन ज़्यादा और इसका लाइफ फीडिंग ज़्यादा पसंद है। तो हम लोग इधर क्या करते हैं, इसका जो मस्कीटो लार्वा है, मस्कीटो लार्वा और आपका जो ट्यूबी फ्लेक्स होता है एक्वेरियम का, जो हम लोग केचो बोलते हैं बंगाली में, वो तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इसका हाई ग्रोथ आएगा, ठीक है, रिच प्रोटीन सोर्स, ये सब मछली ज़्यादा पसंद करती है और लाइफ फीडिंग का ऊपर ये ज़्यादा डिपेंडेंट रहना चाहती है। मतलब आपका सिंगी मागुर भी वो पसंद करती है, कोई भी पसंद करती है, लेकिन इस मछली का स्पेशली अलग करके इसका बहुत ज़्यादा पसंद है। इसका क्या देखिएगा, इसका कल्चर का एक टिप्स देखिए, आप अगर इसका कल्चर करते हैं तो आपको सीड एकदम एक साइज़ का, मतलब 1000 लाइन का ही छोड़ना पड़ेगा, 1000 से 1500, मतलब आपका मिला के नहीं छोड़ सकते, कि कुछ मछली छोटा कुछ मछली बड़ा हो गया तो वो क्या, जब आपका फीडिंग का मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आएगा ना तब ये दूसरा को खा लेगी, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आता है। और इसका हाई ग्रोथ के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, टीबी फ्लेक्स बोले, फिर आपका जो होममेड फीड बनाया जाएगा, होममेड फीड का आपका कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम प्रोटीन परसेंटेज बन देने के लिए, ठीक है, वो आपका सोयाबीन फिश मील या फिर आपका जो एक्सटर्नल सोर्स आपको मिलता है उससे आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और फिर बात करते हैं हम लोग टेंगरा मछली के लिए, इसका FCR देखिए, इसका FCR के लिए बहुत कन्फ्यूजन है, इसका FCR कोई 1 बोलता है, कोई 1.5 बोलता है, इसका प्रॉपर FCR जो फार्मिंग किया हुआ है उससे हमको पता चला, ये मेरा टिल नाउ हम ट्राई नहीं किए, मेरा दूसरा एक तो टैंक में हम डाले थे लेकिन उसका प्रॉपर हमको भी नहीं पता चला कि कितना क्या हुआ आपका FCR प्रॉपरली, तो हम उसको नहीं बोल पा रहे, लेकिन जो प्रॉपर हमको FCR मिला है वो है आपका 1.2 दिखाता है। तो इस मछली का देखिए ग्रोथ रेट बहुत कम है,
जो हम देखे, बहुत ग्रोथ रेट कम है। तो हम प्रेफर करेंगे टेंगरा को नाई करने के लिए। टेंगरा मछली का रेट ज़्यादा हो लेकिन इसका ग्रोथ रेट बहुत कम है और ये फीडिंग भी उतना नहीं लेना चाहती है। आपका ये बॉटम फीडर मछली है तो इसलिए इसको ऊपर में आने का इसको दिक्कत होता है। तो अगर आप कल्चर कर सकते हैं, हमको जो लगता है कि मेरा कल्चर उतना अच्छा नहीं हुआ था क्योंकि मैं इसमें फ्लोटिंग फीड यूज़ किए थे, तो आपका उधर ये ऊपर में आने का तो उतना मन नहीं करता। तो हाँ, आप शायद श्रिंकिंग फीड भी ट्रे में देके फीडिंग करा सकते हैं तो उसका शायद आपका अच्छा आए। फिर पंगासियस का बात करेंगे। पंगासियस का एफसीआर देखिए, आपका अगर फ्लॉक का ऊपर अच्छे से डिपेंडेंट रहते हैं, एजोला का ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, तो पंगास प्रॉफिटेबल कल्चर है। ठीक है, इसका एफसीआर आपका पकड़ लीजिए, अगर आप परसेंटेज का हिसाब से खिलाते, मतलब लाइक तलापिया ओनली, ठीक है, तलापिया का जैसा वैसा ही आपका आता है। ये भी बहुत अच्छी फ्लॉक खाती है और बाकी सब इसका अप्रोक्सीमेटली ठीक है। इसका कल्चर प्रॉफिटेबल है, अगर आपका मार्केट में अच्छा वैल्यू है, डिमांड है एरिया में, तो आप पंगास करके भी अच्छा कर सकते हो। अभी बात करेंगे रूपचंदा का। रूपचंदा का भी आपका फ्लॉक खाती है, अच्छा बॉटम का स्लेज भी खाती है। तो आप ये ठो आपका करेंगे तो आपका एक तो फ़ायदा है कि इसका कॉस्टिंग कम आएगा, लेकिन टैंक में उतना अच्छा ग्रोथ नहीं है। ठीक है, अगर आप बड़ा टैंक करेंगे, मेरा हिसाब से टिल नाउ नहीं किए बड़ा टैंक में, बड़ा टैंक में अगर करेंगे तो आप मतलब ये जो रूपचंदा है, मेरा एक जन जान पहचान में भाई किया था तो उसका हम बोल रहे हैं, तो वो छोटा टैंक में किए थे तो उसका उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया। मतलब बड़ा हुआ मछली खाता है, कॉस्टिंग कम आता है, लेकिन वो बाद में पौंड वाला को बेच दिया, वो पौंड वाला का अच्छा रिजल्ट आया। तो बात है कि आप उसको पौंड लोग का बेचने के लिए आप बना सकते हैं, नहीं तो आप अगर सोचते कि हम एक केजी डेढ़ केजी साइज़ करेंगे तो आपको बड़ा टैंक में करना, ये मेरा प्रेफरेबल आपको रहेगा। ठीक है, उसका बाद आपका आता है श्रिम के लिए। श्रिम के लिए देखिए, हम अभी काम करेंगे, इस टैंक तो है, ये जो टैंक है इसमें हम तारपोलिन बैठाने वाले हैं, हम इसमें श्रिम करेंगे, गोल्दा श्रिम करेंगे हम, मतलब गोल्दा चिंगड़ी जो बोलते हैं बंगाली में, वो तो करेंगे। तो उसका टिल डेट आया, हम जब तक नहीं करते श्रिम के बारे में हम आपसे कुछ तो नहीं कह सकते कि कैसा क्या है, एफसीआर क्या आता है, वो सब नहीं बोल सकते। तो आज का बात था कि ये सब लेके, और अभी बात करेंगे कि आपका फीड मैनेजमेंट। देखिए, बहुत जन बोलते कि कितना खाना दे, देखिए परसेंटेज है आपका, मेनली जो मछली सब फ्लॉक खाती है उन लोग के लिए हम लोग परसेंटेज मान के चलते हैं, नहीं तो आपका सिंगी मागुर ये सब फ्लोटिंग फीड उतना अच्छा नहीं लेती, या फिर आप बोलिएगा जो जो नॉन लिविंग फीड बोलिएगा, मतलब जो मरा हुआ फीड होता है, मतलब पकड़ लीजिए आपका जो फ्लोटिंग फीड है वो तो जीवित नहीं है और उसका प्रोटीन परसेंटेज और उसका डिमांड भी बहुत लेस रहता है, तो उधर वो उतना नहीं खाती। तो आप लोग क्या करिएगा कि उसका लेस ही दीजिएगा, मतलब कम दीजिएगा, कम दीजिएगा क्या मतलब, मतलब जितना खाना चाहती है उतना दीजिएगा, उतना भी नहीं खाएगी। उसका मतलब ये नहीं कि आप टैंक में फेंक के रख दोगे खाना आपका, नीचे जाके पच के गल के आपका उस अमोनिया रेडी करेगा, आपका H2S गैस फॉर्म करेगा, ठीक है, वो सब नहीं। प्रॉपरली कीजिए कल्चर, प्रॉब्लम नहीं आएगा। मछली का फीडिंग आप जितना खाना चाहती है, जो सब मछली कैटफिश जो फ्लॉक नहीं खाती वो सब के लिए आप जितना खाना चाहती है उतना ही दीजिए, ज़्यादा मत दीजिए, कम भी मत दीजिए, तो ग्रोथ एकदम मेंटेन रहेगा, आपका एफसीआर भी ठीक रहेगा। और बोलें कि आप होममेड फीड के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट रहे तो आपका कल्चर भी सेटल हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ख़त्म करते हैं, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।